यार, किसी के साथ खराब हुआ आपने सपोर्ट करा, ठीक है बस डन यार, सारे इन्फ्लुएंसर तो ब्लॉक ही कर दिए उसने भाई। कहीं से कहीं तक भी जो उसके साथ हुआ कोई जस्टिफाइड नहीं है। एज एन इंडियन हर किसी ने कहा भाई वी आर अशेम्ड ऑफ दिस दैट, वे लोग तो बल्कि और जेल में रहने चाहिए थे, उनकी बेल वेल क्यों होगी मुझे समझ नहीं आया यार। और जब लोगों ने कहा कि यहाँ से निकल जाओ ठीक है, यहाँ पे वैसे ही टाइप के लोग रहे, तो इन्होंने इंडियन ऑडियंस को जो चैट में थी गालियां बकी इन दोनों ने। कल नहा लिया था, लेकिन मैं नहाने की अपडेट में देता रहूंगा। सर्दी कल मैं नहाया था, पता नहीं मैंने बताया था या नहीं बताया था, पर मुझे अभी याद आया कि शायद मैंने कल बताया नहीं था, इसलिए बता दूं कि हाँ मैं कल नहा चुका। निहाल भी सो रहा है एज यूजुअल, रचित भी सो रहा, और मैं उठ गया सबसे पहले सुबह 9 बजे, और सुबह 10 बजे विकांशु आ गया, और अभी हम वापस स्क्रिप्ट पे काम करना चालू करने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी काम डेली कर रहे हैं अभी, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे ना कहीं से भी। जैसे हमने काम रेगुलर करना शुरू करा पैसे आने बंद हो गए। लापरवाह होना पड़ेगा, लापरवाह होना पड़ेगा। और ढाका एक बड़े ही कहना बड़े ही प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा ढाका। मैं तो फोन चला रहा भाई, वही तो है अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। कल सुबह मैच है इसलिए रात को मुझे जल्दी भी सोना है, तो आज नोची नाला, आज गर्ल्स मत बुलाना तुम, नो दारू नो गर्ल्स। तो भाई बस एक हमें अपनी वीडियो शूट करनी है, वो शूट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट लिखना है वो लिख लेंगे। और रील्स तो मैं अब नहीं बना रहा, इंस्टाग्राम पे देख ही नहीं रहा कोई, तो बनाए क्यों भाई। कम से कम अगर 10 मिलियन व्यूज ना आए पर रील पे तो क्या बनानी यार, 1-2 मिलियन में क्या होगा हमारा, ना बच्चे पलेंगे ना कुछ। रेगु देख लो जरा, मैं आज सुबह ऑमलेट तो बनी थी, ऑमलेट चाय तो मिल गई सुबह सुबह खाने में, पता नहीं क्या है। और अब हमने वो बंद कर दिया, अपना आरओ बंद कर दिया, क्योंकि हर 2 महीने में इसमें कुछ ना कुछ खराबी हो रही थी, और हम 10-15 दिन जब तक हमें पता नहीं चला तक खराब पानी पी रहे थे, तो अब हम ये मंगा ले रहे। वैसे मुझे वो लगे वो वाली वाइब आ जाए इनके कैप्सूल से, वो मुखर्जी नगर में कोर्स कर देंगे नहीं आए वो होते बच्चे, उनके यहाँ यही कैप्सूल आए। तो भाई गरीब मान रहा कि तूने लक्ष्य है बजे करा हुई, तो यार और कुछ नहीं तो साला फ्लैट ही देख लो चल के। काम है यार तो बहुत ज्यादा। काम है क्या? वीडियो नहीं करनी। चलो तो करो, दोनों काम निपटाओ दोनों। मैं तो वही कर रहा वीडियो के लिए, जो थोड़ा सा शूट वूट है वो निपटा लूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने यूट्यूब के बस हम सर्वर भर रहे, सारे भाई मिल गया बस सर्वर भरने पे चल दिया। मुझे भी यही लग रहा। निहाल का चैनल खुलवा दे क्या, वीरे दी वेडिंग करके आया कुछ, निहाल द स्वयंवर ऐसे ही चैनल लपेट लो, जहां मिलता हो मिल तो नहीं रहा, कमेंट कह रहा कंटेंट मिलता हो भाई। मैं मुझे पता क्या लग रहा, आप यूट्यूब से और इंस्टा से तो पैसे आने बंद हो गए, लेकिन यूट्यूब इंस्टा से पैसे वाली लड़की जरूर आ सके, तो अब जाल फेंक लो अपने अपने। दो ही सोर्सेज बचे हैं, नहीं एक ही सोर्स लग रहा मुझे तो, दो सोर्सेज, या तो घर वाले या फिर लड़की। घर वाले या घर वाली, नहीं मैं कह रहा जिसके किसी के पापा अगर गवर्नमेंट जॉब में हो, बड़े अफसर क्लास ए क्लास वन कौन सी नौकरी हो, वो वाली नौकरी वाले, या फिर किसी के पापा बहुत बड़े बदमाश हो खूबी पैसा हो, या किसी के पिताजी बहुत बड़े व्यापारी हो, मतलब कम से कम 100-150 बीघे जमीन हो, भाई कोई हो ना, अकेली लड़की या दो बहनें भी हो, मतलब उन्हें कोई ऐसा ना मिल रहा हो, वो तो मैं दूसरे अपने साडू को तो टक्कर दे दूं, साडू को तो मैं रास्ते में से हटा दूंगा जमीन हड़पने में। अरे एक काम करना, कल कर लो फिर अपलोड कर दे, उसमें भी यही बात है। नहीं मैं कह रहा, मैं इसे कह रहा था रेगु, मैं कहा अब यूट्यूबर इंस्टा तो पैसा दे नहीं रहा, तो लेकिन लड़की तो पैसे वाली दे सके, जाल भी साना पड़ेगा। मैं लाइफ में सेटलमेंट ढूंढ रहा तेरी कसम, मैं अब सीरियस हो लिया अपनी बातों पे, अब तक तो मजाक मान रहा था, घर वालों ने भी कह दिया ठीक चल जा रहा बेटे, हमारी भी लाइफ सेट कर दे अपने साथ साथ, पापा ने कह रहे ऐसा ससुर ढूंढ कोई, हमें भी नया व्यापार करवाए। मेरे हिसाब से कोई जिसकी गाड़ियों के शोरूम हो यार बड़े बड़े, ऐसी की लड़की हमारी वीडियो क्यों देखती होगी, मैं ये भी तो सोचूं देखती होगी यार है? क्योंकि ऐसे बहुत अमीर बच्चों के ना फ्रेंड्स नहीं होते, तो उन्हें ऐसा लगे कि यही लोग मेरे दोस्त हैं। हमने सारी बहुत गलत पिक्चरें देख रखी हमने, जहां हमें ऐसा लगे अमीर बच्चों के कोई दोस्त नहीं होते। सच्चाई बताऊं तुझे, वो गरीबों के दोस्त नहीं होते अमीरों के, तो सोना पड़ेगा इस तथ्य के साथ, सोना पड़ेगा। ढाका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन मेरे बचपन से ही बहुत दोस्त थे, क्योंकि मैं खानदानी रईस रहा, वो तो ये हुआ कि हमारा जो धंधे थे वे धीरे धीरे खत्म हो गए, तो अब मैं लड़की की तलाश में हूँ जो मेरा धंधा वापस, मतलब 2-4 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करवा दे मेरे बिजनेस में, मेरी अय्याशी में। बिजनेस तो क्या ही करेंगे इस उम्र में भाई, देख लिया तो सीधा सीधा 5 करोड़ रुपए किसी बिजनेस में लगा के बर्बाद कर दो, या 5 करोड़ रुपए बैंक में डाल के अपना उसका ब्याज खाओ जाओ सारी उम्र। मैं मतलब जैसे तुझे कोई एकदम तेरे से कंपेटेबल मिले ना, मेरे लिए भी थोड़ा ढूंढ, उस भी हमें फिर घूमेंगे नहीं शिकार करते ही, उनके बड़े बड़े मेहमान आवेंगे वहां लुंडी छेड़ते फिरेंगे, चले आएगा करोगे जी मारो भी। चल भाई आ जाओ भाई, इसे बुलाया यार कुछ करवाओ भाई। विकांश आ जा तो प्रेशर आ जा मेरे ऊपर, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं गया था
लाइट बंद कर दो, ऐसा होना चाहिए कि चारों तरफ से मेरे ऊपर लाइट आ रही हो। ऑडियंस अपने फोन जला के ऐसे ऐसे हाथ कर रही हो, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट की तरह। लक्ष्य कोल्ड प्ले नहीं, मैं अपना नाम रखूंगा हॉट पोज। हॉट पोज और फिर डांस भी करूंगा लड़ गया वहीं पागल। जैसे ही अपनी 3 दिन पुरानी जैकेट घुमा गई पहन को, चलो यार कुछ खाने को मंगा लो। क्या क्या सोच लेते हो, इमेजिनेशन पे कर चुका मैं एक परफॉर्मेंस। तू भी एक मीटअप रख ले, बड़ा सा ग्राउंड, बड़ा स्टेज और जिस पे तू डांस भी करे, और तुम्हारे बड़े बड़े पोस्टर लगे। पोस्टर नहीं वो होर्डिंग्स। मीटअप तो करो यार नोएडा में कहीं, गाड़ी गुड़ी ठाव करो तो यार मीटअप ही है। हाँ गाड़ी रोक ली भाई वही मीटअप। एक दिन ऐसा कर सके 24 घंटे तो नहीं, 10 घंटे लाइव रह गए घूमते घूमते लाइव स्ट्रीमिंग। इसी तरह करे ना वो जो वो यूट्यूबर है, वो एक कोरियन यूट्यूबर आई हुई जो आजकल न्यूज में भी बहुत है, वो ऐसे 8 घंटे कैमरा उठा के बाहर निकल जाए, वो लाइव स्ट्रीम ट्विटर यूट्यूब पे लाइव रहे। अभी उसके बारे में मैं 2-4 चीजें बताऊंगा, लोग थोड़े देखूंगा कि जैसी मेरी थिंकिंग है वैसी है लोगों की, मतलब पहचान पा रहे या नहीं। आज हम ट्राई कर रहे हैं कपूर्स बल्ले बल्ले चिकन शॉर्मा। मुझे बल्ले बल्ले दूसरा बॉल्स 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 तो तुम मेरी गार्गल करोगे अभी, तो कपूर्स का जो है चिकन शॉर्मा ले लो। अच्छा उसके भी तो है वो भी है पनीर शॉर्मा भी है। यहाँ पे लड़के हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ खाएं। विकांशु को फेमस कर पाऊं ना कर पाऊं, मोटा जरूर करके भेज देंगे। रुको ना, तो मेरी कंटेंट क्रिएटर की जर्नी वो करवाई और मुझे पुलिस भर्ती के लायक बन छोड़ा। हां मैंने वो पुलिस में भर्ती मार देता उसके लायक भी नहीं। समझ से डिप जा, देसी दावत से क्यों है ऐसा लगा जो कल उंडी देखने आए हो यहां। वीडियो कोई बुला लो अगर लड़की देखने जावे और ऐसे कोई समस्या खतरा है। जब तो कुछ नहीं कहने के, बाद में कहेंगे या कोई कोई तो उसे बात को भी इग्नोर कर देने के भाई साहब कोई नहीं, मैं भाई साहब हैं थोड़े से फ्रैंक। इतने ही चिल ससुर जी हैं मुझे, इतने ही चिल हैं। जब कहना रुतबा पीछे बढ़ाओ, जब पीछे ज्यादा हूं, जब बैंक अकाउंट में कहना बड़े भाई 10 CR पड़े हो सब चिल रहे। और कैसे खड़ी जिसका वो वीडियो वायरल हुआ था, वो 2 लड़के हैरेस कर रहे थे जिसे मुंबई के छपरी। तो उस टाइम तो भाई ट्विटर पे सबने फुल सपोर्ट करा, हमने भी करा ट्वीट ट्वीट मुंबई पुलिस अरेस्ट देम ये वो। लड़के तो तभी रात को ही अरेस्ट हो गए थे या शायद सुबह अगले दिन अरेस्ट हो गए थे, पर म्यूची को पता लग गया कि ब्रो इंडियन ऑडियंस है जहाँ फैलती है भाई पूरा यहीं बिठा ले आदमी को एकदम शराब हो गई, पागल हो जाए इंडियन ऑडियंस। मतलब इतने ट्वीट ट्वीट आ गए ना, वो ट्विच पे लाइव थी उस टाइम कि वो पागल हो गई एकदम। तो पहले तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा ऑफ तब लगा, इसने ना ये सब डालने शुरू कर दिए थे लुक्स लाइक वी मेड टू अमेरिकन न्यूज। मतलब इसने अपनी हैरेसमेंट की न्यूज शेयर करके खुश हो रही है कि वी मेड टू अमेरिकन न्यूज, जैसे कितना बढ़िया काम में आए हो अमेरिकन न्यूज पे। और उसके बाद इसने लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, मुझे सम्राट को, मैं एक्सटन को, और भी बहुत लोगों में ट्विटर पे देख रहा था सबको ब्लॉक कर दिया जिन्होंने भी इसको रिट्वीट करके बोला ना। फिर उसके बाद इसने हिंदुस्तान टाइम्स में फीचर भी, फिर आई हैव नेवर सीन माय सेल्फ ऑन न्यूज़पेपर एंड यस आई स्टिल लव इंडिया, बार बार ये भी कर रही है आई स्टिल लव इंडिया लव इंडिया। लोग ऐसे कह रहे हैं आपके साथ इतना बुरा हुआ तब भी आप यहीं घूम रहे हो, तो कह रही है आई स्टिल लव इंडिया। और इसके दोस्त जो थे बाहर के बंदे सब कह रहे यार इसके 2000 फॉलोअर इन सब बढ़ गए 2 घंटे में, इसके ट्विच में बढ़ गए वो बढ़ गए, और खुश हो रहे इस मामले में। मतलब फुल सब राजम राजीम की भाई फॉलोअर बढ़ रहे, इस बात की कोई बात नहीं कर रहा कि भाई इसके साथ इतना बुरा भी हुआ है या उससे कोई सबक ले लो। उन दोनों बंदों को कोर्ट ने छोड़ दिया, बेल दे दी। तो इसने फिर रिट्वीट करा उस न्यूज को, स्केयर टू गो लाइव टुडे विल आई बी ओके, लेकिन स्केयर टू गो लाइव टुडे में परेशान दिख नहीं रही लड़की ट्वीट करती हुई। फिर ये बाहर गई वापस, इसे ये हुआ उसे बिग्गी का चैट बोलने लगे उन लड़कों को जिन्होंने इसे बचाया था। फिर उनके साथ 8-8 घंटे लाए, उन्हें बुला बुला के अपने साथ, वो तो डाली रही थी एवरेज 550K भी, एवरेज 100K भी, एवरेज इंडियन हीरो गीगा चैट फर्स्ट बेस्ट डोसा थैंक्स अथर, ये चीज की भी फिर लिंक डालती रही है कि यहाँ देख लो। मतलब ऐसा चल रहा था कि बुरा तो हुआ पर वॉच माय वीडियो, खराब तो हो रहा है बट वॉच माय वीडियो, खार पुलिस स्टेशन ऐसे वैसे। मतलब इसने ना उस दिन के बाद हर एक घंटे में इसने सब कुछ ट्वीट करा, सब कुछ, मतलब कुछ भी हो रहा था ना सब ट्वीट। और सबसे मुझे अजीब चीज पता क्या लगी, जब इसकी वो वीडियो वायरल हुई ट्विच पे, वो लड़के ये सब कर रहे थे, वो क्लिप कट करके लोगों ने वायरल करी ना, तो इस पे ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि दूसरे लोगों की वीडियो पे व्यूज आ रहे उस चीज को लेके, क्योंकि इसकी 8 घंटे की लाइव स्ट्रीम थी। इसने ये ट्वीट कर दिया, मेनी पीपल आर टेलिंग मी दैट आई डिड समथिंग रॉन्ग हियर, प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड टेल मी। ये वाली बात होगी मेरा एक्सीडेंट हुआ बट गाइस मेरे ही चैनल पे देखना कैसे हुआ, क्लाउड ले रहे उससे कि गलत तो हो गया। तो इस चीज से पता क्या लगे, ऐसा लगे कि शायद आपको नहीं हुआ, आपके साथ कुछ गलत भी हुआ आप। और हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया में तो ऐसे ही हो जा या आप व्यूज नहीं ले सकते या कुछ बात, मतलब हमें खुश शर्म आई यार कि हमारे यहाँ कोई यूट्यूबर आई थी वो उस टाइम, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं था, 100-200 लोग सब देखा रहे थे ट्विच पे। अब तो खैर 2-3 हजार की लाइव वॉचिंग आ रही है इसके 100K हो गए तुरंत यूट्यूब पे। पर यो ना मुझे थोड़ा ओड सा फील हुआ कि उसके बाद ना जब इसने एक तरफ से देख लिया इतना खराब हुआ बट दूसरी तरफ इंडियन ऑडियंस ने एकदम यूं उठा दिया, ये वो सब मतलब बिचल गई हो कैसे हैंडल करें उस चीज को। ये रोज अपने लिंक डाल ये देख लो वो देख लो, मेरे साथ इतना खराब हुआ, इसने बार बार यो कि कल मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ बट आज तो इतना अच्छा हो रहा है। एक और सबसे खराब चीज ये
कि कल वापस ये उसी इलाके में गए जहाँ पे इसके साथ, इसका एक फॉरेनर दोस्त भी था, एक टैक्सी ड्राइवर था शायद इसके साथ, और जब लोगों ने कहा कि यहाँ से निकल जाओ ठीक है, यहाँ पे वैसे ही टाइप के लोग रहे, तो इन्होंने इंडियन ऑडियंस को जो चैट में थी गालियां बकी इन दोनों ने। Are you guys the same people that are sitting in YouTube chat and saying, don't do this, leave this place, there's five people following you, oh my god, get the f*** out of here. मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार इंडियन ऑडियंस ऐसी क्यों है यार, किसी के साथ खराब हुआ आपने सपोर्ट करा ठीक है बस डन यार, क्लाउड चेजर्स को पहचान लो जो लोग मिल कर रहे हैं तुम्हारे इमोशन को, मतलब एकदम डम्ब लगते हो कि भाई कितने बेवकूफ हैं। शुरू में उन्हें उसने इस सब का कोई ट्वीट कुछ नहीं करा, दूसरे लोगों ने करा क्योंकि लाइव थी, लोगों ने इस क्लिप ले ली, वायरल होगी पूरे ट्विटर पे। फिर से ऐसे लगा कि इतने एकदम से यूजर आ गए ना, एक दो घंटे में 6,000 हो गए तो ट्विटर के थ्रू आए, तो फिर इसने ट्विटर पे डालना शुरू कर दिया सब कुछ, वो वाला काम हो गया, मम्मी ने बहुत मारा वॉच दिस वीडियो, वो ब्लॉक भी मार रही है सबको दबा के, जो भी उसे हल्का सा भी क्रिटिसाइज कर दे रहा ना जो भी उसे, तुरंत ब्लॉक, सारे इन्फ्लुएंसर तो ब्लॉक ही कर दिया उसने, तो हमारा ब्लॉक चैनल भी ब्लॉक कर देगी अपने उससे। कोई नहीं भाई, एक यूजर का नुकसान मैं झेल लूंगा, बट मैं ये नहीं कहने का वी मेड इट टू हिंदुस्तान टाइम्स, लड़के को सड़क पर बहुत मारा और मैं ही बोला वी मेड इट टू हिंदुस्तान टाइम्स। नहीं एक बात मतलब ये है मोटी मोटी कि मतलब उस चीज के लिए आप लोगों को सॉरी फील करवा रहे, खुद आप उस चीज से अफेक्टेड नहीं हो, मतलब अच्छी बात है आप रिकवर करके, ऐसा नहीं कि उस बात के ट्रॉमा में रहो, बहुत बढ़िया बात है, मजे आ रहे हैं आपको न्यूज बनने में, अब आप चाह रहे हैं कि मेरी न्यूज बने। हाँ और मैं ये भी एक बात बता दे रहा कि भाई कहीं से कहीं तक भी जो उसके साथ हुआ कोई जस्टिफाइड नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था कुछ, भाई जो हुआ बहुत गलत हुआ, एज एन इंडियन हर किसी ने कहा भाई वी आर अशेम्ड ऑफ दिस दैट, वे लोग तो बल्कि और जेल में रहने चाहिए थे, उनकी बेल वेल क्यों होगी मुझे समझ नहीं आया यार, मतलब इंडियन लोग क्राइम करने के बाद तो लोगों को इतना तगड़ा पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट तो उन्हें देना चाहिए ना जो क्राइम से जस्ट पहले आपने पकड़ लिए, वो भी चीज कोई जस्टिफाइड नहीं है, बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, लोग हेट के चक्कर में उसे ये सब भी मत बोलना, बात हेट वाली नहीं बात क्रिटिसिज्म की, और ये भी इंडियन ऑडियंस को सीखने वाली बात है कि आपके इमोशन का कोई कितना मिसयूज कर रहा है, उस लड़की को तो हम कुछ कहने तो सही कर रही है भाई, भाई इन्फ्लुएंसर है यूट्यूबर है, वो व्यूज के लिए करेगी जो करना है, क्या बोलती, नहीं तो लोग बड़ा उल्टा ले लें इस बात को, इस क्रिटिसिज्म को हेट ले लेंगे। बात ये है कि उसने अभी नई नई फेम देखी एकदम से, तो वो उसे लगा कि इसे इस न्यूज को जितना मिल्क करके जितने फॉलोअर्स गेन कर लूं उतना सही है, और यही चीज गलत है इस स्टोरी में, मतलब उस हिसाब से अफेक्ट भी तो नहीं हो रहा आदमी को, लेकिन वो जा रहा दोबारा, वो नहीं चल अफेक्ट तो ये बात सही है कि चल नहीं वो रिकवर करेगी मेंटल, वरना हो सके कोई बंदा मेंटल ट्रॉमा में आ जाएगी मेरे साथ हैरेसमेंट हो, वो बात अच्छी है, पर उसके साथ स्टोरी वो वाली नहीं है, वो सीधा क्लाउड चेजिंग वाली स्टोरी है, मतलब अगर कॉमन सेंस का यूज करा जाए तो अब उसे ये दिख रहा है कि गलत तो हो ही गया जो हो गया, अब इससे बेनिफिट निकाल लिया जाए जितना हुआ, गलत तो हुआ है पर उस चीज से पब्लिसिटी लेना, उस चीज मतलब पब्लिसिटी उस हद तक लेना कि आपको इंसाफ मिल जाए वहां तक तो ठीक है, पर अपने पर्सनल फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए पब्लिसिटी लेना वो फिर गलत हो जाए। तू लॉयर बन सके बहुत अच्छा, मैंने वो बता दिया, हाँ तर्क पर तर्क पर तर्क मार दिए, मेरे भी गेरे का फट्टे बिल्लो और वायरल करो मुझे बुध बजाओ मेरा। यार हम कुछ ऐसा फेक सिनेरियो क्रिएट कर सके, करा तो था एक बार हमने लड़ाई करी थी जब लोग पे। अच्छा रात के 1 बज चुके और अभी मुझे बालियान का फोन आया कि 500 रुपए लेके नीचे आ जा, उसकी कैब वाला ओल्ड स्कूल इंसान है कोई जो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसे कैश देने नीचे जा रहा अभी। किंग ऑटो करके आए नई दिल्ली स्टेशन से, कितने लिए? 450 100-200 इसी में स्विफ्ट डिजायर में बैठ गया, 400 पर कोई नहीं कहना, अनु भी तो आ रहे थे साहब।